अग्नित्रा फाउंडेशन द्वारा तंत्र सत्य की खोज नामक कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया गया तथा वहीं इसी कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन डॉक्टर गणेश दुबे जी ने देश के कोने कोने से आए हुए मुख्य अतिथि की मौजूदगी में दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इसके पश्चात जादूगर खरबंदा और उनके सुपुत्र ने कार्यक्रम में अपने हैरत अंग्रेज कारनामे प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। इसके अलावा गणेश गुरु जी ने कोरोना जैसी महामारी के दौरान 12,000 से भी अधिक लोगों की आर्थिक मदद करी और हमेशा से ही लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। कार्यक्रम में तंत्र के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि साधना 3 प्रकार की होती है, जैसे तंत्र साधना, मंत्र साधना और यंत्र साधना इत्यादि। तथा वहीं वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित गुरु डॉक्टर गणेश दुबे जी ने आज जादूगर खरबंदा, डॉक्टर दिवाकर, डॉक्टर विवेक दीक्षित, श्री प्रकाश भारद्वाज और जय दिलीप सिंह और डॉक्टर राजा तालुकर को फूलों का गुलदस्ता, भगवत गीता एवं पौधा भेंट करके उन्हें सम्मानित किया। उस मौके पर देवी अर्चना ने अपने व्यक्तित्व में बोलते हुए कहा कि तंत्र विद्या की जितनी खोज की जाए उतनी ही कम है। अग्नित्रा फाउंडेशन में तंत्र को पुराने तरीके से सिखाया जाता है, जैसे पुरानी गुरुकुल में सिखाया जाता था। डॉक्टर गणेश दुबे जी का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया है, उनकी कार्यशाली को देखकर और तंत्र विद्या को देखकर। पुराने तंत्र मंत्र में और आज के तंत्र मंत्र में बेसिक जो डिफरेंस आता है वो अवस्थाओं का आता है, क्योंकि पुराने तंत्र मंत्र के लिए वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी। जड़ी बूटियों को ढूंढने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को ढूंढने के लिए हमें बहुत से ऐसी जगहों पर जाना पड़ता था जहाँ जाना सुगम नहीं होता था। आज वो सारी चीज़ें हमें घर बैठे मिल जाती हैं, तो आज का तंत्र मंत्र करना या सीखना बहुत आसान हो गया है, इंस्टेड ऑफ कि जब पुराने ज़माने में होता था। अगर मैं 20 साल पहले की बात करूं, तो 20 साल पहले अगर मुझे कहीं जाना होता था तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल होती थी, कौन से गुरुजी कहाँ रहते हैं, कौन सा सिस्टम रहता है, कौन से यंत्र हैं, कौन से मंत्र हैं, कौन अच्छे कलाकार हैं, कौन से नहीं हैं, ये ढूंढना बहुत मुश्किल होता था। आज इन्फॉर्मेशन की वजह से ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। प्लस आज का जो इफेक्ट तंत्र का इफेक्टिव है, कहते हैं कलयुग नाम हरि नाम आधारा, जो अगर आप कलयुग में थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं तो सफलता ज़्यादा मिलती है। पुराने ज़माने में प्रयासों का रिजल्ट थोड़ा देर से आता था, अभी जल्दी आता है। तो आज एक्यूरेसी भी है और ट्रांसपेरेंसी भी है और रिजल्ट भी अच्छे हैं। गुरु जी, पुराने टाइम में तंत्र मंत्र को किसी के ऊपर आक्रमण या घात करने के लिए माना जाता था, और आज की डेट में इसको ऐसा क्यों नहीं माने? देखिए, पुराने ज़माने में जो मारण वर्ड शब्द का इस्तेमाल होता था, वो मारण का मतलब ये सिर्फ ये नहीं होता था किसी व्यक्ति को मारना, मारण का मतलब होता था कि अपने अंदर की बुरी आदतों को भी मारना, मारण का मतलब होता था अपने अंदर के बुराइयों को मारना या किसी व्यक्ति के अंदर की बुराइयों को मारना या समाज में चल रही किसी प्रथा को ख़त्म करना। तो मारण का सिर्फ मतलब ये नहीं कि जनमानस को नुकसान पहुँचाना, मारण शब्द को लोगों ने सही से समझा नहीं है। अब जैसे वशीकरण है, वशीकरण सिर्फ आज प्रेमी और प्रेमिका का शब्द रह गया है, जबकि वशीकरण होता था आत्मा और परमात्मा के मिलन का। तो शब्दों को समझना और चयन करना बहुत अलग है। जैसे पंच मकार में मद शब्द इस्तेमाल होता है, मद यानी शराब। अब मद का मतलब शराब नहीं था, मद का मतलब होता था परमात्मा को पाने की नशा में डूबे रहना। अब उस शब्द को समझने की पर्यावरण चाहिए। अब जिसने जिस भाषा को जिस तरह से समझा उसने उस तरह से ले लिया। आज के टॉक शो पर आपने कहा कलयुग केवल नाम आधारा, ठीक है, तो नाम को सात्विक तंत्र से आप कहां ले चलते? नाम का मतलब है मंत्र, यहाँ पे नाम आधारा का मतलब है मंत्रों का जाप, मंत्रों का चयन कर सही तरीके से मंत्रों का चयन करना
नाम अधारा कहता है। जैसे अब आप एक सिस्टम में आपने एक वस्त्र पहने हैं तो पैंट को पैंट की जगह पे शर्ट की जगह पे पहनते हैं, एक सिस्टम है, आप रिवर्स नहीं कर सकते। उसी तरह मंत्र तंत्र यंत्र के जाप करने या उनकी साधनाओं और सिद्धियों को प्राप्त करने का एक सिस्टम है, उस सिस्टम को अगर फॉलो करेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। आप गोवा के टिकट लेके आप कर्नाटका नहीं जा सकते और कर्नाटका के टिकट लेके आप हरिद्वार नहीं जा सकते। सही जगह की सही रास्ते की टिकट लेनी पड़ती है। उद्देश्य सिर्फ एक जगह इकट्ठा करना नहीं है, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे धन हो, चाहे कुछ भी अवस्था हो, इनका कोई लेना देना नहीं है। जन समाज के लिए बनाई जा रही है और जन कल्याण के लिए बताई जा रही है, तो ऐसी प्लेटफॉर्म होंगे जहां पर हर व्यक्ति के पास आसानी से पहुंच सके। गुरु जी के मार्गदर्शन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं जो गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं उन सबकी हमको आवश्यकता है, वरना हम वो सीन पिक्चराइज कैसे करेंगे। अगर हम किसी बात को पहुँचा सकते हैं किसी तक तो आपके माध्यम से पहुँचा सकते हैं। तो हम तंत्र में का मतलब होता है एक सिस्टमेटिक प्रणाली, हर इस समाज का, इस देश का हर व्यक्ति इसको सिस्टमेटिक तरीके से अगर लेकर जाएगा तो यह घर घर तक पहुंचेगा। तो इसको आपके बिना हम नहीं ले जा सकते। ये एक बहुत मतलब डॉक्टर गणेश दुबे जी, गुरु जी एक प्रोटैगोनिस्ट, एक नायक के रूप में एक बड़ी अच्छी टॉर्च बेयरर है। और मैं समझता हूँ कि समाज में बहुत चुनिंदा लोग ऐसे होते हैं, कम लोग होते हैं जिनके अंदर ऐसी तीव्रता, ऐसी त्वरा और ऐसी योग्यता होती है। मैं समझता हूँ कि प्रभु जी इस तरीके के काम के लिए भगवान, कुछ परमेश्वर की नियुक्तियाँ होती हैं जिसके लिए सही आत्माओं का चयन किया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में जो विलुप्त हो रही प्रथाएं हैं, जिस प्रकार से कुछ फल, कुछ पक्षी, कुछ जीव, कुछ जंतु आज विलुप्त हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग, कुछ संस्थाएं उनका कार्य करने में, उनको वापस में स्थापित करने के लिए प्रयास करते हैं, उसी प्रकार जो हमारी विद्याएं हैं, जो हमारी पांडुलिपियां हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, चाहे वो श्रुति से, स्मृति से, हमारे इंटरेस्ट से, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर वो विलुप्त हो रही हैं लेकिन समाज कल्याण और विश्व कल्याण के लिए आवश्यक हैं, ऐसे में उन कलाओं को, उन विधाओं को, उस विद्या को सही तरीके से बिना किसी लाग लपेट के सामान्य मानवीय और जीवन में उत्थान के लिए हम किस प्रकार कर सकते हैं। इसलिए डॉक्टर साहब का, गुरु जी का ये बहुत ही सराहनीय कदम है कि किस प्रकार से वो सही तरीके से इस विद्या को, जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर कहूँ, ज्योतिष के विषय में जो लोगों की दिलचस्पी है वो बहुत ही सामान्य दिलचस्पी है, वो एक विद्या है, वो एक साइंस है। लोग यही अक्सर पूछते हैं मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरी बेटी की शादी कब होगी। और अगर आप नॉन स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछेंगे कि अगर मैं परसों जा रहा होऊंगा तो क्या आप बता सकते हैं केले के कौन से छिलके पर मेरा पैर पड़ेगा और मैं दाहिनी तरफ गिरूंगा कि बाईं तरफ, बेसलेस क्वेश्चन है, इस प्रश्न का कोई मतलब नहीं। और कोई पंडित तोताराम शास्त्री यदि ये बता भी दे कि परसों केले के छिलके पर आपका पैर पड़ेगा, आप गिरेंगे, तो समझ लीजिए कि आपने ठीक जगह आप नहीं पहुंचे। ज्योतिष के जो प्रश्न होने चाहिए वो बहुत गूढ़ प्रश्न होने चाहिए, उसी प्रकार से प्रश्न आपके ये होने चाहिए कि विश्व का कल्याण कैसे हो, प्रश्न आपके ये होने चाहिए कि मैं जीवन में अपने पुरुषार्थ से, परिक्रमा से, अपने परिश्रम से जीवन में क्या बन सकता हूँ, मेरे अंदर क्या बीज रूप में संभावनाएं हैं। गुरु जी उन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं उस तरीके से समाज में। आप शायद बहुत छोटा मांग रहे हैं, ये आपको बहुत व्यापक दे सकते हैं। हाय, मेरा नाम इल्यूजनिस्ट राहुल खरबंदा है, मैं दिल्ली से हूँ और मैं मैजिक की फील्ड में, ये मेरा 21वां साल है। मैंने बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ मैजिक देखी और प्रैक्टिस की है, चाहे वो माइंड रीडिंग हो, मेंटलिज्म हो, अब मैं रिसेंटली डिजिटल आईपैड मैजिक भी कर रहा हूँ और ग्रैंड इल्यूजन्स भी हैं। तो आज मेरा इस प्रोग्राम में आने का जो पर्पज़ था वो मैंने काफ़ी सुना था अपने फादर से, अपने इस गुरुजी के बारे में। तो आज गुरुजी के जो उन्होंने कहा, उन्होंने शेयर किया, बहुत ही पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन थी, मेरे लिए बहुत नई थी, क्योंकि आज तक जो हम सभी तंत्र को, जो भी हमारा तंत्र को लेके एक जो परसेप्शन था या जो सोच थी वो एक्चुअली में बहुत अलग थी, जो हम सुना करते थे या जो हमारे को दिखाया जाता था, और उसका जो एक्चुअल में जो उसे मैंने आज समझा, मुझे बहुत ही डिफरेंट लगी। और ये एक्चुअली में एक पॉजिटिविटी क्रिएट करने की चीज़ है, और मुझे ऐसा लगा कि लाइफ इम्प्रूव हो सकती है, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट इम्प्रूविंग लाइफ, ये हील कर सकती है बहुत ही तरह से पेशेंट्स को, जो साइकोलॉजिकल इलनेस से डील कर रहे हैं या जो डिप्रेशन में हैं, जैसा कि हम मैजिक में भी हिप्नोथेरेपी करते हैं। जो हमारा तंत्र शास्त्र है जो विलुप्त होता जा रहा है, और जो तंत्र सुनते ही के क्या है, कह देते हैं कि डर लग जाता है जिसको। तंत्र एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को मतलब आध्यात्मिक ऊर्जा से ऊपर ले जाता है,
और भगवान की तरफ ले जाता है। तो मैं गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रणाम। मेरा नाम मेघ विनायक है और मैं अग्नित्रा फाउंडेशन से पिछले 1.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे तंत्र और तंत्र से रिलेटेड कोर्सेज को बहुत ही सरलता से समझाया और सिखाया जाता है। डॉक्टर गणेश दुबे जी खुद पर्सनली ये सारे कोर्सेज सिखाते हैं। उन्होंने ये कोर्स में, मैं भी उनके कोर्स में उनका स्टूडेंट रहा हूँ। इस कोर्स और इस सेशंस के माध्यम से आप अपनी लाइफ को बहुत ही सरल तरीके से ठीक कर सकते हैं, उसमें हैप्पीनेस ला सकते हैं। आपके घर में अगर कुछ झगड़े या फिर आपको फाइनेंशियल रिलेटेड। मैं अजीत सिंह, निदेशक चाइल्डलाइन रेलवे प्रयागराज से हूँ। आज के कार्यक्रम के बारे में सर क्या कहना? आज का कार्यक्रम जो आज के युग में आधुनिक युग है और भौतिक समाज है, उसमें ज्योतिष तंत्र का साधना का जो एक लोगों के बीच में एक जागरूकता आनी चाहिए और लोगों को उसकी ज़रूरत भी है, आवश्यकता है, लोग उसके पीछे काफ़ी ललायित हैं, तो निश्चित रूप से ये जो अग्नित्रा फाउंडेशन का पहल है, यह हम लोगों ने अभी तक जितनी भी परिचर्चा सुनी है उसमें काफ़ी कुछ हम लोगों ने सीखा है और इस तरह के आयोजनों से लोगों में एक धर्म के प्रति और एक ज्योतिष के प्रति लोगों में लालसा बढ़ेगी और लोगों को उससे लाभ मिलेगा। मैं मजीशियन अशोक खरबंदा, गिरी बॉडी गार्ड होटल और स्टेट बैंक से मैनेजर रिटायर हुआ हूँ आज से 15 साल पहले। कार्यक्रम के बारे में क्या कहना? कार्यक्रम के बारे में मैं यही कहूँगा कि तंत्र मंत्र और विज्ञान, हम जब बचपन में थे 60 साल पहले ये पढ़ा करते थे, उसके बाद हमारी किताबों से धीरे धीरे लोप हो गया और आज ऐसा लग रहा था कि हम जो है फिर एक बार फिर बचपन में चले गए हैं और वही अच्छी बातें, जो पॉजिटिव बातें हैं वो हम यहाँ पे ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा कहा और मेरा जो उसमें मानना है वो ये है कि आप थिंक पॉजिटिव, इस पर अगर हम चलेंगे तो हमारे लिए तंत्र भी अच्छा है, मंत्र भी अच्छा है और उसके बाद जादू भी अच्छा है और विज्ञान भी अच्छा है। हमारे देश की 56 कलाएं हैं, 56 कलाओं में तंत्र भी है, मंत्र भी है, यंत्र भी है और विज्ञान भी है, तो ये सारा उसी में आ जाता है। और आज डॉक्टर दुबे जी ने, जो गुरु जी हैं, उन्होंने एक नई परिभाषा इसके बारे में दी बहुत ही कमाल की, और जो वो इस मामले में गुरुकुल में बच्चों को आज की शिक्षा देंगे और वैदिक संस्कृति से उसका नाता जोड़ेंगे, ये तो एक कमाल की चीज़ होगी, तो ये होना चाहिए।